हेलो दोस्तों, बिहार में बन रहा है भारत का सबसे बड़ा पुल। इस पुल की लंबाई 13.3 किलोमीटर की होगी। बात करें अभी भारत के सबसे बड़े पुल की तो वो है असम राज्य के लोहित नदी पर 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सादिया ब्रिज, यानी कि जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोला जाता है। तो बिहार में कहां पर बन रहा है इतना लंबा पुल और इसके बनने से क्या सब फायदा होगा और ये कब तक बन के तैयार होगा, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये ब्रिज देश का सबसे लंबा सड़क पुल वाला ब्रिज होगा, जो कि बिहार के सुपौल जिला के बकौर और मधुबनी जिले के भेजा के बीच बनाया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 984 करोड़ की लागत से 10.2 किलोमीटर लंबे महासेतु का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। दरअसल ये प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी जिले के उमगांव से सहरसा के महिषी तारापीठ के बीच बन रहे 1W 4-लेन सड़क के अलाइनमेंट में यह पुल है। यह पुल सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ने में यह कारगर सिद्ध होगा। इसके बन जाने के बाद बागडोगरा एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट तक आना जाना काफी आसान हो जाएगा। इस पुल के बनने से सुपौल जिले से मधुबनी जिले की दूरी 100 किलोमीटर से घट करके 30 किलोमीटर की हो जाएगी। बात करें इस पुल के स्ट्रक्चर की, तो इस पुल में कुल 171 पिलर होंगे, जिसमें से 38 पिलर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। बकौर की ओर से 2.1 किलोमीटर और भेजा की ओर से 1 किमी अप्रोच पथ का निर्माण कार्य भी किया जाना है। तो चलिए जानते हैं कि ये इतना लंबा पुल बनाया क्यों जा रहा है। दरअसल कोसी नदी का स्वभाव होता है बदलते रहना। इस महासेतु के सिरों को दोनों तरफ से तटबंध पूर्वी और पश्चिमी से सीधे जोड़ा जा रहा है। इस कारण से यह महासेतु देश में सबसे लंबा हो जाएगा। इसके बनने से धारा किधर भी बदले कोसी नदी का, इससे इस क्षेत्र वालों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पुल के बन जाने के बाद लोग सीधे एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकते हैं। इसी कारण से ये इतना लंबा बनाया जा रहा है। बात करें इसके निर्माण कार्य की पूरा होने की तिथि की, तो वो पहले 2023 रखी गई थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन और किन्हीं कारणों से ये नहीं बन पाया है। तो इसके पूरा होने की नई तिथि 2024 रखी गई है। तो देखिए ये पुल कब तक बन के तैयार हो पाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना भारत के बिहार राज्य में बन रहे भारत के सबसे लंबे पुल के बारे में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।